नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 15 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में आने वाले लोगों की कोविड ई सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी, एसओपी का सख्ती से होगा पालन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में आने वाले लोगों की कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रदेश में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए आरटीपीसीआर अवस्था की शर्त हटा दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि काफी लंबे अरसे के बाद जो रिलैक्सेशन दी है उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज़्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीजन है हमारा, और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड रहे, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट किए बिना प्रदेश की सीमा में आने के लिए जो हमने अब की बार जो एक छूट दी है, वो छूट इस वजह से है कि बहुत सारे लोग हिमाचल के ही दूसरे स्टेट में आते हैं जाते हैं, और हिमाचल जब आना जाना होता तो कठिनाई हो रही है। तो बहुत ऐसी भी हमको लग रहा था कि भी मुश्किल आ रही है लोगों को, और कई बार एमरजेंसी में आना होता है और एमरजेंसी में आना होता तो उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है, तो उस बात को ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे देश में सभी स्टेट में इंटर स्टेट मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, रिस्ट्रिक्शन छोड़ दी। तो ऐसे में हम यहाँ पर रखें और पूरे देश भर में कोविड के नंबर में काफ़ी गिरावट भी आई है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हमने ये निर्णय लिया है। अब इसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने होटलियर्स को बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि वो जो एसओपी है उसका पालन हो, टूरिस्ट जो भी आए वो मास्क पहन करके और उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के जो एसओपी का पालन है सहयोग करें। वैक्सीनेशन एक बहुत नेशन लेवल पर एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चला है और बड़े युद्ध स्तर पर हो रहा है, और हमारी कोशिश भी है, हिमाचल प्रदेश इसमें पहले से ही बेहतर कर रहा है। कोशिश ये है कि जल्दी हम वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को पूरा करें, और उसमें जो हमको अभी वैक्सीनेशन जो 18 से 44 साल के लिए जो कोटा मिला था उसमें पिछली कंपैरिजन में उसमें इंक्रीज आई है, थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी दी है डोजेज की, और उसको हम अब शुरू कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डोजेज आने वाले समय में जून के महीने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और हम इसको और तेज़ी से वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ाने में सफल होंगे, और खासतौर से 18 से 44 साल के नौजवानों के बीच में जिनको बहुत उत्साह भी है और वो उत्साहित होकर के वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। हिमाचल के बैंकों में अब 4 बजे तक होगी पब्लिक डीलिंग। हिमाचल प्रदेश में अब सभी बैंक शाम 5 बजे तक बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग शाम 4 बजे तक होगी। सोमवार को सभी बैंक प्रतिनिधि और वित्त महकमे से चर्चा करने के बाद राज्य स्तरीय बैंक समिति ने नए दिशा निर्देश जारी किए। गौर हो कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते बैंकों ने 26 अप्रैल को समय सारणी में बदलाव किया था। इसमें बैंक शाम 4 बजे तक खुले रहते और दोपहर 2 बजे तक पब्लिक डीलिंग होती थी। अब फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई, हालांकि इस दौरान कोरोना संबंधित एसओपी का पूरा पालन करना होगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री बोले, सरसों तेल पर सब्सिडी देकर कम किए जाएंगे दाम। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की देखरेख में सभी विकासात्मक कार्य को गति मिली है। आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तो दालों के रेट 150 के पार थे, लेकिन आज पूरे देश में महामारी जैसे हालात में भी दालों के रेट 100 से कम है, तब भी विपक्ष महंगाई का आलाप कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरसों के तेल पर सब्सिडी दिलवाकर इसको सस्ता करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बीते 3.5 साल के कार्यकाल के चलते जिस प्रकार विकास को गति मिली है उससे 2022 में भाजपा की सरकार बनना निश्चित है। कोरोना महामारी के चलते देश और प्रदेश के हालात सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत ही सही तरीके से इस वक्त को संभाला है। सीमित संसाधनों के चलते एकदम से फैली इस बीमारी में तीव्रता के साथ अस्पताल बनाए गए हैं। कोरोना जर्मनी में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने से हिमाचल में अलर्ट।
विदेशों में तेजी से फैल रहा कोरोना का जर्मन डेल्टा वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार ने अलर्ट कर दिया है। इस वेरिएंट ने जर्मनी में काफी लोगों को चपेट में लिया है। हिमाचल में ये वेरिएंट अपने पांव तो नहीं पसार है, स्वास्थ्य विभाग इसकी पड़ताल में जुट गया है। इस वेरिएंट को लेकर सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य सीएमओ और बीएमओ को अलर्ट किया है। जिलों में वैक्सीन लगने के बाद जो लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सैंपल जांच को दिल्ली भेजने को कहा गया है। नए वेरिएंट और जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए हिमाचल से दिल्ली के लिए 600 के करीब सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ की रिपोर्ट आई है जिसमें से 32 सैंपलों में यूके स्ट्रेन समेत 17 सैंपलों में डबल म्यूटेंट और 40 से ज्यादा सैंपलों में भारतीय वेरिएंट मिला है। हिमाचल में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये लोग आखिर क्यों संक्रमित हो रहे हैं, कौन सा वायरस इन्हें दोबारा संक्रमित कर रहा है, इसकी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी का कहना है कि फिलहाल अभी हिमाचल में इस तरह का वेरिएंट नहीं मिला है, बावजूद इसके राज्य से सैंपलों को जांच के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। सभी सीएमओ प्रिंसिपल को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मिशन रिपीट के लिए शिमला में 3 दिन मंथन करेगी हिमाचल भाजपा। हिमाचल प्रदेश भाजपा संगठन ने पिछले विधानसभा चुनाव के सभी प्रतिनिधियों को 16 जून को शिमला बुलाया है। इनमें सभी विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों को भी आमंत्रित किया है। इसके साथ भाजपा के दिग्गज उपचुनावों और अगले साल होने जा रहे विधानसभा आम चुनाव पर मंत्रणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश भाजपा की मंगलवार से शुरू होने जा रहे 3 दिवसीय बैठक में मिशन रिपीट की रणनीति बनेगी। इसमें मंत्रियों, विधायकों, निगम बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का गहन मंथन होगा। पार्टी पदाधिकारियों से भी टिप्स लिए जाएंगे। इसमें सरकार और संगठन की कार्यशैली को और बेहतर करने पर मंत्रणा होगी। 15, 16 और 17 जून को राज्य अतिथि गृह पीठ रोम में ये बैठकें होगी। सेवा ही संगठन भाग 2 की समीक्षाओं के लिए भाजपा की बैठकें 15 जून से शिमला के होटल पीठ रोम में शुरू होगी। इनमें भाग लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। पहली बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। 16 जून को प्रथम बैठक 9 बजे आरंभ होगी। उसके बाद शाम 4 बजे 2017 विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों की बैठक बुलाई जाएगी। इसी दिन शाम 7 बजे भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश योजकों के साथ बैठक होगी। एचपीयू ने जारी किया 5 बीटेक कोर्सों का शेड्यूल, आज से खुलेगा पोर्टल। एचपीयू ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी में शैक्षणिक सत्रों में 5 बीटेक कोर्स में प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 15 जून से एडमिशन पोर्टल को खोल दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 15 जून से 10 जुलाई तक चलेगी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक पहली बार इन 5 कोर्सों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए भी 6-6 सीटें आरक्षित रहेगी, जो तय 60 सीटों के अलावा होगी। पात्र अभ्यर्थी के ना मिलने पर सीटें खाली रहेगी, इसकी मेरिट अलग से बनेगी। संस्थान AICTE के निर्देशों के मुताबिक हर कोर्स में 2 सीटें, मेरिटोरियस छात्रों के लिए 3 सीटें, 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों और सभी दिव्यांगों के लिए मुफ्त में कोर्स करने की सुविधा देता है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा ने कहा कि बीटेक IT, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इस बार 360 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संस्थान ने अभी कोरोना संक्रमण के खतरे और शिक्षण संस्थानों के बंद होने के कारण प्रवेश परीक्षा की तिथि तय नहीं की है। इसे बाद में तय कर छात्रों को सूचित किया जाएगा। इन कोर्स में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग में जमा 2 की परीक्षा में 50% अंक फिजिक्स और मैथ विषय के साथ, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए जमा 2 में 45% फिजिक्स और मैथ प्राप्त अंक वाले छात्र पात्र होंगे। हर कोर्स की तय 60-60 सीट के अलावा इन छात्रों से भरी जाएगी। आरक्षित वर्ग के लिए अलग से सीटें रखी गई है। UIT के निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा ने कहा है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन ने 5 बीटेक कोर्स का बैच 2021-22 को बैठाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि AICTE हर साल के लिए बैच बिठाने की अनुमति देता है। अभी तक CBSE और HP बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तय नहीं हुई है, इसलिए परिणाम कब तक घोषित होगा इस पर फैसला होना है। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि संस्थान को बढ़ानी भी पड़ सकती है। उच्च शिक्षा निदेशक बोले, जुलाई अंत तक घोषित होगा 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में दाखिले 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम निकलने के बाद शुरू होगी। जुलाई अंत तक 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के चलते कॉलेजों में इस वर्ष दाखिलों की प्रक्रिया में कुछ देरी जरूर होगी।
विभाग का प्रयास है कि इस देरी को कम किया जाए। सीबीएसई का 12वीं कक्षा के लिए अंक निर्धारण का फॉर्मूला तैयार होने का इंतजार है। सीबीएसई से गाइडलाइन जारी होते ही इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम तैयार किया जा रहा है। अप्रैल में हुई परीक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है। प्री बोर्ड सहित फर्स्ट सेकंड टर्म और प्रैक्टिकल के अंकों को एकत्रित किया जा रहा है। 12वीं कक्षा के परिणाम के लिए सीबीएसई के अंक निर्धारण का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। प्रदेश में आंशिक संशोधन जरूर किया जाएगा। सभी हितधारकों से इसको लेकर चर्चा की जाएगी। छात्र हित में ही फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकों की ड्यूटियां लगा दी गई है। शिक्षा निदेशक ने बताया कि कॉलेजों में जुलाई में फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू होगी। प्रश्न पत्र कॉलेजों में पहुंच चुके हैं। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कॉलेज की परीक्षाएं करवाई जाएगी। फाइनल ईयर की परीक्षाएं पहले होगी, विद्यालय इसका शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड और फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश में अलर्ट समिति का हुआ गठन। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट किया है। इसको लेकर सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति डाटा विश्लेषण, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभवों और कोविड-19 की अगली लहर से निपटने के लिए योजना तैयार करने समेत वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए परामर्श देगी। ये समिति कोरोना की तीसरी लहर के लिए कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करेगी। लैपटॉप के लिए अभी और इंतजार, प्रदेश के 19,400 मेधावियों को झटका। सरकार व शिक्षा विभाग का मेधावियों को लैपटॉप देने का दावा जुलाई माह में भी पूरा नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को विभाग से लैपटॉप खरीद की फाइल अभी तक नहीं पहुंची है। ऐसे में अभी कॉरपोरेशन के पास अधिकार नहीं है कि वे लैपटॉप मेधावियों को खरीदे। इतने समय से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी शिक्षा विभाग ने फाइल दबाई है। अब 10वीं 12वीं व कॉलेज के मेधावी छात्रों को जुलाई की बजाय सितंबर में लैपटॉप दिए जाएंगे। इससे पहले 19,400 मेधावियों को जुलाई में लैपटॉप देने का दावा किया गया था। पिछले दो साल यानी कि 2018-19, 19-20 के छात्र लैपटॉप के इंतजार में बैठे हैं। वेदर अपडेट, शिमला धर्मशाला में झमाझम बरसे बादल, प्रदेश में 20 जून तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में मानसून पहुंचने के दूसरे दिन सोमवार को शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश हुई है। सोमवार को प्रदेश में मौसम बिला झुला रहा। दोपहर बाद कई जिलों में बादल बरसे। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हुई है। 15 से 17 जून तक प्रदेश में बारिश, आदड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। 20 जून तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में सोमवार को शाम 4 बजे तक मौसम साफ रहा। इसके बाद एकाएक करीब आधा घंटा शहर में बारिश और ओलावृष्टि हुई। धर्मशाला और कांगड़ा में दोपहर बाद बादल झमाझम बरसे। धर्मशाला में 56, कांगड़ा 24, डलहौजी 16 और चंबा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। खबर पर्यटकों से जुड़ी हुई बंदिशों से राहत मिलती, पहाड़ों की ओर दौड़े पर्यटक। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में सुधार होने पर और बंदिशों से राहत मिलते ही मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने शिमला के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख किया है। अन्य राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने शिमला सहित अन्य पर्यटक स्थलों की ओर रुख किया है। इसमें विभिन्न पर्यटन स्थलों में रौनक लौट आई है। करीब 2.5 माह बाद पहाड़ों की रानी शिमला सहित आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अधिक चहल पहल देखने को मिली। पर्यटकों की आमद बढ़ने से शिमला सहित कुफरी के अलावा अन्य पर्यटक स्थलों में पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों ने रात की सांस ली है। हिमाचल के रूटों पर दौड़ी HRTC की बसें, लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील के बाद सोमवार से हिमाचल के विभिन्न रूटों पर HRTC की बसों का संचालन शुरू हो गया। सोमवार सुबह से ही 6 बजे से सड़कों पर HRTC की बसें देखने को मिली। हालांकि बसों में सवारियों की संख्या तो कम थी, पर बसों के चलने से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके अलावा सोमवार से सभी ऑफिस में 50% स्टाफ पहुंचा। सरकारी बसों के चलने के कारण ऑफिस पहुंचने वालों को सुविधा प्राप्त हुई है। बसों के चालकों व परिचालकों को फेस शील्ड, मास्क पहनने के साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में 50% यात्रियों के साथ बसें चल रही है। हालांकि निजी बस ऑपरेटरों ने विशेष रोड टैक्स और टोकन टैक्स पूरा माफ ना करने के विरोध में बसें ना चलाने का फैसला लिया है। लेकिन कुछ जिलों में कुछ एक निजी बसें सड़क पर दौड़ती नजर आई। उधर टैक्सी व निजी वाहन 100% सवारियों के साथ चलने शुरू हो गए।
बाजारों में भी शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रही, लेकिन शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेगी। पहले की तरह रोजाना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। हिमाचल में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत, 310 नए पॉजिटिव मामले, सक्रिय केस 5000 से कम। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 9 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होगी है। मंडी जिले में 3, कांगड़ा 2, शिमला 2, ऊना और सिरमौर में 1-1 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में 310 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। इनमें से कांगड़ा 80, मंडी 54, चंबा 38, शिमला 27, हमीरपुर 25, बिलासपुर 22, सिरमौर 14, ऊना 13, किन्नौर 13, सोलन 11, कुल्लू 9 और लाहौल स्पीति में 4 नए मामले आए हैं। वहीं राज्य में कोरोना सकारात्मकता दर पिछले सप्ताह यानी 7 से 13 जून तक 2.4% रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 664 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,98,876 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,91,041 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 4,432 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,382 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 18,843 लोगों के सैंपल लिए गए थे। प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए हैं।